हेलो स्टूडेंट, बीएससी मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित से संबंधित इन सभी प्रश्नों को प्रूफ करने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों में पी एक से छेक तर्क वाक्य है। यहाँ टी का मतलब सत्यतमान है, मतलब टी का मतलब सत्य है और एफ का मतलब असत्य है। टी सत्य कथनों को और एफ असत्य कथनों को व्यक्त करता है। और यदि टी का मतलब सत्य कथन, एफ का मतलब असत्य कथन है, तो हमें यह सब प्रूफ करके दिखाना है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पी और टी की वैल्यू टी के इक्विवेलेंट होती है, यह प्रूफ करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर यह जो टी है, यह सत्य कथनों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब टी के सभी सत्य तमाम सत्य हो गए। और ये जो F है, यह F असत्य कथनों को व्यक्त करता है, मतलब F के सभी सत्यता मान असत्य होंगे, मतलब F के सभी वैल्यूज F होगी और T के सभी वैल्यूज T होगी। इन सभी चीजों को हम सत्यता मानों की सहायता से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में P और T के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। यहाँ एक कॉलम हम P के सत्यता मानों के लिए बनाएंगे, दूसरा कॉलम T के सत्यता मानों के लिए। P के सत्यता मान क्या क्या हो सकते हैं? P का सत्यता मान T भी हो सकता है, P का सत्यता मान F भी हो सकता है, पी सत्य भी हो सकता है, पी असत्य भी। पी एक स्वेच्छ कथन है, स्वेच्छ तर्क वाक्य है। यह तर्क वाक्य सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन टी के सत्यता मान हमेशा टी ही होंगे। अभी बताया था मैंने, टी सत्य मानों को व्यक्त करता है, मतलब इसके सभी सत्यता मान सत्य होते हैं, इसलिए टी के दोनों सत्यता मान सत्य लिखेंगे हम। उसके बाद हम पी और टी के लिए एक कॉलम बनाते हैं और इस कॉलम में इसके सत्यता मान लिखते हैं। यहाँ P और T का हमें वियोजन लिखना है। दो कथनों का वियोजन असत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो, मतलब P और T इन दोनों के सत्यता मान असत्य हो तो इनका वियोजन भी असत्य होगा। देखो, ये P और ये T के सत्यता मान है, ये दोनों असत्य नहीं है इसलिए यहाँ सत्य आएगा, ये दोनों असत्य नहीं है इसलिए यहाँ सत्य। जब P और T ये दोनों के मान असत्य हो गए तब इनका वियोजन असत्य लिखा जाएगा। अभी दोनों के मान असत्य नहीं है इसलिए इनका वियोजन सत्य लिख दिया हमें। इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिखाया कि P और T का वियोजन जो है, उस वियोजन के सभी सत्यता मान सत्य है और ये सत्य सत्यता मान किसके होते हैं? T के। मतलब ये देखो, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों के सत्यता मान समान है। इन दोनों के सत्यता मान समान होने के कारण ये दोनों तार्किक रूप से तुल्य है। जिन दो वाक्यों के सत्यता मान समान होते हैं वे वाक्य तार्किक रूप से तुल्य होते हैं। इसका मतलब यह वाक्य टी के तुल्य है। और ध्यान में रहे, तुल्य वाक्यों का द्विव प्रतिबंध एक पुनरुक्ति ही होती है। अगर हम इन दोनों का द्विव प्रतिबंध निकाले तो वह एक पुनरुक्ति होगी। तो इससे प्रूफ होता है सत्यता सारणी से कि टी और पी और टी इन दोनों के सत्यता मान समान होने के कारण दोनों तार्किक रूप से तुल्य है, मतलब पी और टी ये तुल्य है टी के। ये पहला प्रूफ हो चुका। इसी प्रकार से सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड को प्रूफ करने के लिए हम इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। पी जॉइन टी के लिए सत्यता सारणी, P लिखेंगे, T लिखेंगे और अगले कॉलम में P एंड T लिखते हैं। P के सत्यता मान लिखते हैं, P का सत्यता मान T भी हो सकता है, F भी हो सकता है, P सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन T के सभी सत्यता मान सत्य होते हैं। अब हमें यहाँ पर P और T का संयोजन लिखना है। दो कथनों का संयोजन सत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। P और T का संयोजन सत्य तब ही होगा
जब पी भी सत्य हो और टी भी सत्य हो। देखते हैं, यहाँ दोनों सत्य है इसलिए सत्य आएगा, यहाँ दोनों सत्य नहीं है इसलिए असत्य आएगा। तो हम देखो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये पी एंड टी के ये जो सत्यता मान है ये पी के सत्यता मानों के समान ही है। ये टी है, पी में यहाँ टी है तो इसमें भी टी है, ये दोनों सत्यता मान समान है, ये दोनों सत्यता मान समान है, मतलब इन दोनों के सत्यता मान समान है। और इन दोनों का अगर हम द्वि प्रतिबंध ज्ञात करें तो इन दोनों का द्वि प्रतिबंध देखो क्या प्राप्त होगा, इन दोनों का द्वि प्रतिबंध लिखना है। दो वाक्यों का द्वि प्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। इनका द्वि प्रतिबंध लिखना है, देखो इनके दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ पर सत्यता मान सत्य आएगा, दोनों घटक समान है इसलिए सत्यता मान सत्य। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी और पी एंड टी के सत्यता मान, पी और पी एंड टी इनका द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति है, और जब दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध पुनरुक्ति हो तो दोनों तर्क वाक्य तार्किक रूप से तुल्य होते हैं, मतलब ये दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। इसका मतलब P एंड T ये तुल्य है P के, ये सेकंड भी प्रूफ हो गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। P और F के लिए सत्यता सारणी निम्न है, P और F के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं, एक कॉलम P के लिए दूसरा F के लिए बनाते हैं, और तीसरे कॉलम में P के सत्यता मान लिखते हैं। P का सत्यता मान सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, मतलब P का सत्यता मान T भी हो सकता है F भी हो सकता है, पी सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन एफ के सत्यता मान हमेशा एफ ही होंगे। इन दोनों का हमें यहाँ वियोजन लिखना है। दो कथनों का वियोजन असत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। पी और एफ के मान, अगर पी और एफ दोनों के मान असत्य हो तो यहाँ असत्य आएगा अन्यथा सत्य, यहाँ दोनों के मान असत्य नहीं है इसलिए सत्य आएगा, यहाँ दोनों मान असत्य है इसलिए यहाँ असत्य आएगा। इस प्रकार हम देखो क्या देख रहे हैं कि पी और P और F इन दोनों के सत्यता मान समान है, इसमें T है तो इसमें भी T है, इसमें F है तो इसमें भी F है, मतलब दोनों के सत्यता मान समान है। और साथ ही अगर हम इनका द्वि प्रतिबंध लिखे P और F और P का द्वि प्रतिबंध प्राप्त करें तो यह द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति प्राप्त होगी। देखो कैसे, दो तर्क वाक्यों का द्वि प्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। इनके द्वि प्रतिबंध को लिखेंगे ये सत्य तभी होगा जब इसका दोनों घटक समान हो। यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ सत्य आएगा, दोनों घटक समान है इसलिए सत्य, और जिसके सभी सत्यता मान सत्य हो वह एक पुनरुक्ति होती है, मतलब इन दोनों का द्वि प्रतिबंध पुनरुक्ति है इसलिए ये दोनों तार्किक रूप से तुल्य है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पी और एफ ये तुल्य है पी के, ये भी प्रूफ हो गया। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में हम पी एंड एफ के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। पी एंड एफ के लिए सत्यता सारणी निम्न है, देखो कैसे बनाए गए, पी के लिए एक कॉलम एफ के लिए दूसरा कॉलम, यहाँ पी के सत्यता मान लिखेंगे, यहाँ एफ के सत्यता मान, और यहाँ पी एंड एफ के सत्यता मान। P के सत्यता मान लिखते हैं, P का सत्यता मान T भी हो सकता है F भी, P सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि P एक स्वच्छ तर्क वाक्य है, यह सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है। F के सभी सत्यता मान सत्य ही होते हैं, F के सभी सत्यता मान असत्य होते हैं, F के सभी मान F होते हैं। इन दोनों का यहाँ हमें संयोजन लिखना है, दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो, मतलब P और F का संयोजन सत्य तब ही होगा जब इसके दोनों घटक P और F सत्य हो। यहाँ देखो दोनों P और F सत्य नहीं है इसलिए यहाँ असत्य आएगा, यहाँ P और F सत्य नहीं है इसलिए असत्य। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तो सभी मान असत्य हैं, और जिसके सभी मान असत्य होता है होते हैं वो F कहलाता है,
मतलब ये जो मान है ये सभी मान असत्य है, और सभी मान असत्य किसके होते हैं, एफ के। टी के सभी मान सत्य होते हैं, एफ के सभी मान असत्य होते हैं। ये सभी मान असत्य मिला मतलब ये एफ के इक्वल मिला। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि ये जो दोनों के सत्यता मान जो है ये समान है। इसका सत्यता मान एफ है तो इसका भी एफ है, यहाँ एफ है यहाँ भी एफ है, मतलब इनके सत्यता मान समान है। अगर हम इनका द्वि प्रतिबंध बनाए तो इनका द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति प्राप्त होगा। देखो कैसे, दो वाक्यों का द्वि प्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। अगर इनके दोनों घटक समान है तो इसका सत्यता मान सत्य होगा। देखते हैं, देखो यहाँ दोनों घटक समान है इसलिए सत्यता मान सत्य होगा, यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए सत्यता मान सत्य। इसके सभी सत्यता मान सत्य है मतलब इन दोनों वाक्यों के द्वि प्रतिबंध सदैव सत्य है। इन दोनों वाक्यों के द्वि प्रतिबंध के सभी सत्यता मान सत्य है मतलब यह इनका यह द्वि प्रतिबंध है पुनरुक्ति है। और जिन दो वाक्यों का द्वि प्रतिबंध पुनरुक्ति होती है वे दो वाक्य तार्किक रूप से तुल्य होते हैं, मतलब ये दोनों वाक्य तार्किक रूप से तुल्य है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी एंड एफ ये तार्किक रूप से तुल्य है एफ के। ये फोर्थ क्वेश्चन जो प्रूफ किया हमने, अब ये दो क्वेश्चन प्रूफ करना बाकी है, इनको भी प्रूफ करते हैं। अगले क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को। इसमें हम पी और नॉट पी के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। एक कॉलम पी के सत्यता मानों के लिए, दूसरा कॉलम नॉट पी के सत्यता मानों के लिए बनाएंगे। पी का सत्यता मान सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। जब पी का सत्यता मान टी हो तो नॉट पी का सत्यता मान एफ होगा, मतलब जो पी कहता है उसका उल्टा नॉट पी कहता है। पी सही कह रहा है मतलब नॉट पी गलत कह रहा है, पी सही नहीं है। नॉट पी का मतलब होता है पी सही नहीं है। यहां नॉट पी का मतलब क्या होगा, पी गलत नहीं है, तो पी क्या होगा सही होगा। पी एफ नहीं है तो पी टी होगा। तो जो पी के सत्यता मान होते हैं उसके विपरीत सत्यता मान नॉट पी के होते हैं। तो ये पी और नॉट पी के सत्यता मान लिख दिए हमने। इसके बाद हम इन दोनों का वियोजन लिखते हैं, पी और नॉट पी। पी और नॉट पी के सत्यता मान लिखते हैं, दो कथनों का वियोजन असत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। अगर पी और नॉट पी दोनों असत्य हो तो इनका सत्यता मान भी असत्य आएगा, लेकिन यहाँ दोनों असत्य नहीं है इसलिए यहाँ सत्य आएगा, यहाँ भी दोनों असत्य नहीं है इसलिए सत्य आएगा। इस प्रकार से हम देखो क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पी और नॉट पी के सभी सत्यता मान सत्य है, मतलब पी और नॉट पी हर स्थिति में सत्य है। पी और नॉट पी हर स्थिति में सत्य है मतलब टी है, इसका मतलब पी और नॉट पी टी के इक्वल है, क्योंकि ये जो मान आए हैं ये टी के ही मान होते हैं। अगर हम टी के मान लिखे तो टी के सभी मान टी हो गए। और हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों के सत्यता मान समान है इसलिए ये दोनों तार्किक रूप से तुल्य है। P और not P ये तुल्य है T के। इसी प्रकार से आप लोग ये भी प्रूफ कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग प्रूफ करके देखना। तो इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।